एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद आइए बात करेंगे जशपुर की। सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा सामने आई है, 12 मार्च को किसानों को धान की राशि मिल सकेगी। किसानों को ये राशि मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय 13,000 करोड़ रुपए की राशि जारी हो जाएगी। सीएम ने किसानों को ये बड़ी खुशखबरी दी और कहीं ना कहीं इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बड़े लंबे वक्त से जो इस राशि की मांग की जा रही थी और अब इसकी घोषणा सीएम के द्वारा कर दी गई है। बड़ी घोषणा किसानों के लिए, किसानों के चेहरे भी इससे खिल उठे हैं। 13,000 करोड़ रुपए की यह राशि है जो जल्द जारी होगी। 12 तारीख का समय है, 12 मार्च को किसानों को ये धान की राशि मिल सकेगी। सीएम साय ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है, 12 मार्च को उनके खातों में राशि आ जाएगी। धान की जो राशि है वो उनके खातों में पहुंच जाएगी। बड़ी घोषणा, बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा की गई है। इस साल खरीदे हैं क्विंटल प्रति एकड़ धान, इस साल खरीदे हैं और 147 लाख मीट्रिक टन धान इस साल छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बम्फर धान खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुआ है और 3100 रुपया देने की बात हुई है। एमएसपी सबको मिल गया होगा, लेकिन जो 917 रुपया प्रति क्विंटल अंतर की राशि है, बहुत जल्दी और संभवतः 12 तारीख को 24 लाख से ज्यादा किसान जो छत्तीसगढ़ के अंदर में धान बेचे हैं, 147 लाख मीट्रिक टन धान उनके खाते में अभी करीब करीब निश्चित है। 12 तारीख को हमारे देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी छत्तीसगढ़ आएंगे और पूरे जिला में हर जगह कार्यक्रम रख के उस दिन 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है, ये करीब 13,000 करोड़ रुपया है, 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरण कर देंगे। विश्व शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, बड़ी खुशखबरी और बड़ी सौगात इसे हम मान सकते हैं किसानों के लिए, अब धान की राशि 12 मार्च को जारी हो जाएगी किसानों को। जी हाँ, राज्य सरकार ने जो है वो होली से पहले किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। आज जो है जशपुर में सीएम साय जो है वो दौरे पर थे और वहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि जो धान की अंतर की राशि है वो 12 मार्च को जारी की जाएगी और इस अवसर पर जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री जो अर्जुन मुंडा हैं वो आएंगे और सभी जिलों में जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद जो है ये राशि जो 24 लाख से ज़्यादा किसान हैं, 13,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में डाली जाएगी। आपको बता दें कि 31 जो जनवरी है वो अंतिम तिथि थी धान खरीदी की, लेकिन और कुछ दिन बढ़ाने की मांग रखी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने उसे सही मानते हुए 4 दिन के लिए बढ़ाया भी था और पिछली बार की अपेक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया।